हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल techyc में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रियलमी मोबाइल के चार ट्रिक्स, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। और अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है तो आप इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपने फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और आप अपने फ़ोन को बहुत ही अच्छे से सिक्योर भी रख सकते हैं दूसरों लोगों से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, इस लिस्ट में रियलमी फ़ोन का जो पहला सीक्रेट आता है वो है किड्स स्पेस। यहाँ पर इस चीज़ को ऑन करने के लिए आपको आपके फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा और वहाँ पर सर्च मारना होगा किड्स स्पेस। आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिखेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपना फ़ोन जो है किसी बच्चे को दे देते हैं या वो गेम खेलने के लिए मांग लेते हैं, और अगर गलती से वो आपके फ़ोन की किसी और ऐप को खोल ले तो वो मैसेजेस या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं, या कोई पीछे से कॉल आ रही है उसका उन्होंने रिप्लाई दे दिया। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे ऐप को आप हाइड कैसे कर सकते हैं क्लिक में, तो यहाँ पर किड स्पेस जो है फंक्शन वो रियलमी फ़ोन में दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप जो है कभी भी किसी को भी फ़ोन दे तो आप यहाँ पर किड्स स्पेस को जो है वो ऑन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ड्यूरेशन अलॉट फॉर ईच यूज़ दे रखा है 30 मिनट का। यानी अगर आप किसी बच्चे के हाथ में फ़ोन देते हैं तो आप इसको ऑन कर दीजिए और 30 मिनट तक जो चीज़ आप चाहेंगे बस वही वही ऐप दिखेंगे आपको। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ऐप्स अलॉट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जिन जिन ऐप को आपने ऑन कर रखा होगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर ड्यू रिकॉर्डर और जो है यूट्यूब को ऑन कर रखा है, तो सिर्फ यही दो ऐप जो है वो स्क्रीन पर दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप किसी भी बच्चे को जब फ़ोन दे तो आप यहाँ पर एंटर किड्स स्पेस पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से आप उस स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। मैं अभी इस पर क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डर है फ़ोन का स्क्रीन वो बंद हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर इसी को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। और आप इसे अपने फ़ोन में चलाकर एक बार देख सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर ऐप से अलाउड जो है वो क्लिक कर देना है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि होगा क्वाइट किड्स स्पेस, आपको उस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड डाल देना है। दोस्तों, इस लिस्ट का जो सेकंड सीक्रेट आता है वो भी आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना फ़ोन जो है वो किसी को दे देते हैं और वो आपसे ये कहता है बंदा कि मैं बस यूट्यूब चलाऊंगा या मैं कोई गेम खेलूंगा, और फिर वो जो है आपके जाने के बाद आपके फ़ोन को जो है सर्च मारना शुरू कर देता है। तो आप उससे बचने के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप भले उसके हाथ में फ़ोन दे देंगे लेकिन आप जो है वो तब तक आपके फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए आपको आपके फ़ोन की जो है सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग में, आपको यहाँ पर जाना होगा डिवाइस एंड प्राइवेसी में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि होगा आपका स्क्रीन पिनिंग का। यहाँ पर मैं बता दूँ कि स्क्रीन पिनिंग वो ऑप्शन है कि आपको सिंपली इसके लिए, मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को फ़ोन दिया, उसने मुझसे कहा कि भाई मैं सिर्फ यूट्यूब चलाऊँगा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पीछे बैकग्राउंड में यूट्यूब जो है वो खोल रखा है। तो आपको सिंपली इस स्क्रीन पिनिंग के ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप जैसे रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब है, आपने YouTube को खोल लिया, और अब आप जो है रिसेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि है पिनिंग का। तो यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये ही स्क्रीन YouTube की स्क्रीन पिन हो जाएगी, और सिर्फ वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ YouTube ही चला पाएगा। उसके अलावा अगर वो किसी और चीज़ को खोलने की कोशिश करेगा, या जो यहाँ पर 3 बटन दे रखी है ये स्क्रीन पर, ये जो यहाँ पर 3 बटन दे रखी हैं हमारे, जो बैक की बटन है, होम की बटन है, रिसेंट बटन है, ये तीनों भी काम करना बंद कर देंगी। और उसको वापस से ठीक करने के लिए आपको पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर पर अपनी उंगली रखनी होगी, या तो आपको लॉक डालना होगा जो कि आपने फ़ोन में लगा रखा है। तो आप जो है इस तरीके से किसी को भी अपना फ़ोन देने के बावजूद आप अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट का जो थर्ड ऐप आता है वो आता है, थर्ड ऐप नहीं है वो एक सीक्रेट है जो कि आपने बहुत बार देखा भी है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद आपको टाइप करना है *#*#4636#*#, और उसके बाद स्टार,
ये जो कोड है वो इस वजह से डायल किया जाता है ताकि आप जो है पता कर सके कि आपने फ़ोन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपने अपने फ़ोन में डेटा कितना यूज़ किया है, कौन कौन से ऐप को कितना देर तक यूज़ किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपका फ़ोन ले तो और वो कहे कि भाई मैं सिर्फ ये चलाऊंगा, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर उसने रिसेंट में से हटा भी दिया फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या क्या चीज़ें खोली थी। तो यहाँ पर आपको ये जो है टाइप करना और उसके बाद आखिर में स्टार डायल कर देना है। स्टार डायल करने के बाद आपको यहाँ पे यूजेस मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ की थी। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब जो है वो 12:37 तक यूज़ किया है, अभी 12:39 हो रहे हैं, यानी जस्ट रिकॉर्ड करने से पहले मैंने इसका यूज़ किया। मैप्स का यूज़ किया था मैंने 30 मई को, एमसेंट ब्राउज़र का, सिस्टम लॉन्चर का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने किन किन चीज़ों का जो यूज़ है वो यहाँ पर किया था। दोस्तों इस लिस्ट का जो आखिरी ट्रिक आती है, आखिरी सीक्रेट आता है, वो आता है आपके फ़ोन के सिक्योरिटी को लेकर। अगर कहीं मान लीजिए आपका फ़ोन खो जाए और वो व्यक्ति आपका फ़ोन तो खोल नहीं पाएगा उस टाइम पे, क्योंकि उसमें लॉक लगा होगा, वो आपके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देगा। और आपके सिम बंद करवाने से पहले अगर वो आपके सिम का मिसयूज़ करना चाहे तो कर सकता है किसी दूसरे फ़ोन में लगाकर। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए आपको आपके फ़ोन में एक सेटिंग दी जाती है जिसके लिए आपको आपके फ़ोन में जाना है। और यहाँ पर आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा डिवाइस एंड प्राइवेसी, आपको यहाँ पर जाना है और आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, वो है सेट अप सिम कार्ड लॉक। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी सिम लगी है, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में 2 सिम लगी है, तो यहाँ पे सिम 1 सिम 2, तो यहाँ पर आपको जो है एक सिम का पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप जो है सिम का एक पिन लगा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप अपने सिम को किसी दूसरे फ़ोन में लगाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पासवर्ड देना होगा, और अगर आप ये पासवर्ड नहीं दे पाते हैं तो आपकी जो सिम है वो वहाँ पर काम नहीं करेगी। उस व्यक्ति को तो ये पासवर्ड पता नहीं होगा, तो वो व्यक्ति आपके फ़ोन का, आपके सिम का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये जो थी वो 4 सीक्रेट ट्रिक्स थी जो कि Realme के फ़ोन में आपको दी जाती हैं। आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को यहीं बैंड अप करते मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।